वैंकूवर। बड़ा ही अजीब शहर है। यहाँ पे एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं तो दूसरी तरफ बगीचे और घने घने जंगल। लेकिन यहाँ के लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए उन जंगलों को काटना जरूरी नहीं समझा, और यही तो खूबसूरती है इस शहर की। बाय द वे, आपने सस्पेंशन ब्रिज का नाम सुना है? अगर नहीं भी सुना होगा तो YouTube या Instagram पे ऐसे फोटोज या वीडियो जरूर देखे होंगे जहाँ पे एक घना सा जंगल है और जंगल के बीच में कुछ पेड़ों के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, हवा में लटकता हुआ ब्रिज, और जिसके नीचे से या तो नदी बह रही है या पास से झरना बह रहा है। मैंने भी वहीं देखा था, लेकिन ये देखने में एकदम सपने के जैसा लगता है। और इतनी खूबसूरत जगह को इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। ये एकदम सपने जैसा लगता है, और आज मैं यही सपना पूरा करने जा रहा हूं। Don't cope it, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kids to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with. Hello guys, welcome back. आज मैं आया हुआ हूँ वैंकूवर में, और वैंकूवर में मैं अभी जिस जगह पे हूँ वो है एक जंगल। और वैंकूवर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा सिटी है, और उस सिटी में थोड़ी सी दूरी पर अगर आप चलोगे तो वहाँ पे आपको ये जंगल दिखता है। और एक्चुअली मेरी बात करें तो मुझे ऐसे जंगल जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर लगते हैं बजाय किसी सिटी से। तो अगर यहाँ वैंकूवर की बात करें तो वैंकूवर से करीब 227 बस है, वो आती है इधर। इसको बोलते हैं लिन पार्क। अगर मेरे पीछे आप ये बोर्ड देखोगे तो यहाँ पे लिन वैली लिखा हुआ है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो यहाँ का मौसम है अभी, क्योंकि मौसम है यहाँ पे पूरा फॉग हो रहा है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो पूरा फॉग फॉग हो रहा है, चारों तरफ जंगल है। और जंगल से भी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे नॉर्मल कोई जंगल नहीं है। यहाँ पे अगर चारों तरफ मैं आपको दिखाऊंगा तो काफ़ी वाटरफॉल हो रहे हैं, और वाटरफॉल के अलावा यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है। तो ये जो इसकी खासियत है सस्पेंशन ब्रिज, उसी की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो सस्पेंशन ब्रिज अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है, तो एक ब्रिज होता है। ये नदी जो नीचे आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे नीचे एक नदी है, वो नदी बह रही है, उसके ऊपर से एक कनेक्ट करता हुआ ब्रिज है। वो ब्रिज है पूरा हिलता है, अगर आप चलोगे तो वो हिलेगा ब्रिज। तो वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी भी बरतनी पड़ती है, लेकिन काफ़ी सेफ़ है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से वॉक करके जा सकते हो। ये कनाडा में एक्चुअली बियर बहुत होते हैं, भालू बहुत होते हैं, तो यहाँ पे इस जंगल में भालू भी बहुत हैं, तो थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। कभी कभी वो चल के रास्ते पे भी आ जाते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो सस्पेंशन ब्रिज देखने में कैसा है और आपको यहाँ पे क्यों आना चाहिए। Out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever, and I won't waste this. सस्पेंशन ब्रिज लिन वाला ही क्यों आना चाहिए जहाँ पे मैं आया हूँ, और दूसरी जगह क्यों नहीं जाना चाहिए? एक और यहाँ पे वैंकूवर में काफ़ी फेमस सस्पेंशन ब्रिज है। अगर आप वैंकूवर कनाडा आ रहे हो तो आपको सर्च करोगे तो वो टॉप प्लेसेस में दिखेगा जहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप बजट पे हो तो जो दूसरा पार्क है सेम सस्पेंशन ब्रिज है, सेम इसी तरह का पार्क है, सेम थीम है, लेकिन वहाँ पे आपको 45 to 50 पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा। सपोज़ आप चार फैमिली आ रहे हो, अगर आप चार जने हैं तो आपको करीब $200 के आसपास आपको वहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आ रहे हो तो यहाँ पे ये एब्सोल्युटली फ्री है, तो यहाँ पे आना एकदम वर्थ है। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे बस का पास बनवा लेते हो तो आपको कोई बस का भी ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, $10 का पास बन जाता है, उसमें आप पूरे दिन कहीं पर भी घूम सकते हो। तो वही हमने किया है, पास बनवा लिया है, और अभी हम यहाँ पर आ गए हैं। I'll follow you, yeah.
cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name, I'm wasted on you. Here we are right underneath the stars. So ये था लिन गार्डन और सस्पेंशन ब्रिज। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा, मुझे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है, मुझे तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया। आई होप आपको भी ये ब्रिज अच्छा लगा होगा, आपको ये जगह अच्छी लगी होगी। तो ये तो है सस्पेंशन ब्रिज, ये दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है वाकई में उससे कहीं बढ़कर है। मैं अब तक 11 कंट्रीज घूम चुका हूँ, लेकिन ये जगह मेरी वन ऑफ द फेवरेट रहेगी लाइफ टाइम के लिए। करना पड़ेगा वैंकूवर को भी, इसने कुछ कड़वी यादें दी तो सबसे मीठी यादें भी इसी ने ही दी हैं। और यही तो अच्छी बात है घूमने की, क्योंकि यहाँ पे आप बुरी मेमोरी नहीं लेके आते हो, यहाँ पे या तो आप अच्छी मेमोरीज लेके आते हो या फिर एक्सपीरियंस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।